हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। कुछ दिनों पहले मैंने साउथ कोरिया के ऊपर वीडियो बनाया था और स्पेसिफिकली बताया था आप वहां की कैपिटल सियोल में कैसे घूम सकते हैं और क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फ्लाइट के बारे में, वीजा प्रोसेस के बारे में और क्या क्या चीजें हैं वहां पे देखने के लिए, साथ ही बताऊंगा उनका प्राइस भी। आप सीधे आते हैं दोस्तों काम की बात पे और बात करते हैं फ्लाइट की। अगर आप फ्लाइट का प्राइस देखेंगे तो आप अपने स्क्रीन पर आराम से देख सकते हैं कि एक साइड का फ्लाइट का जो प्राइस है वो है 20,000 इंडियन रुपीज और जो राउंड ट्रिप का प्राइस है वो है 32,000 to 33,000 इंडियन रुपीज न्यू दिल्ली से सियोल के बीच में। और जो मैंने डेट चूज की है वो है 15 जनवरी 2019। जो मैंने फ्लाइट का प्राइस बताया दोस्तों वो अलग हो सकता है आपकी फ्लाइट के प्राइस से, क्योंकि आप कहां से बुक कर रहे हैं, कैसे बुक कर रहे हैं, कौन सी डेट पे बुक कर रहे हैं, ये सब चीजें इफेक्ट करती है आपके प्राइस को। एज ए इंडियन साउथ कोरिया का वीजा लेना दोस्तों काफी आसान है, आपको नॉर्मल सा प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ता है और यहाँ का वीजा लेना इतना मुश्किल नहीं है। साउथ कोरिया के वीजा अप्लाई करने के लिए काफी सारी वेबसाइट है, जैसे कि आप इस वेबसाइट का प्राइस देख सकते हैं। सिंगल एंट्री के लिए यानी 5 से 6 दिन के लिए अगर आपको वीजा चाहिए साउथ कोरिया का, तो आपको जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा वो होगा 9,500 इंडियन रुपीज के बराबर। इसके अलावा VHS ग्लोबल से भी ये सब चीजें कर सकते हैं, अपनी वीजा एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैं वीजा के बारे में ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके खुद चेकआउट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश आपको जो भी लैंग्वेज अच्छी लगती है आप उसमें जाके सारी बातें समझ सकते हैं और प्रोसेस भी काफी आसान है। अब इतनी खूबसूरत सिटी में जाएंगे तो काफी सारी जगह है वहां पे घूमने के लिए, देखने के लिए। तो अब मैं बात करता हूं 20 प्लेसेस टू विजिट इन सियोल। सियोल की जो सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सबसे पहले नंबर पे वो है ग्रैंड वाकोंग पैलेस, इसको नॉर्दर्न पैलेस भी बोलते हैं। ये सियोल में 5 जो पैलेस है उसमें सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा पैलेस है। अगर आप इसके नाम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग निकलेगा पैलेस ऑफ शाइनिंग हैप्पीनेस। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जापानीज ऑक्यूपेशन के टाइम पे 1592 से लेके 1598 के बीच में यहाँ का जो प्रीमिसेस है उसको आग से जला दिया गया था, पूरा बर्बाद हो गया था यह पैलेस। इस पैलेस में लगभग 7,000 से ज्यादा कमरे हैं, तो आप सोच सकते हैं ये पैलेस कितना बड़ा है। अगर आपको इस पैलेस की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप फ्री टूर गाइड ले सकते हैं, जो इंग्लिश में चालू होता है 11:00 बजे, देन 1:30 पे, देन 3:30। इस पैलेस का जो ओपनिंग टाइम है वो है 9:00 बजे से लेकर 6:00 बजे तक। और यहाँ की जो एडमिशन फीस है अडल्ट के लिए वो है 3,000 कोरियन यॉन और बच्चों के लिए जो फीस है वो है 1,500 कोरियन यॉन। अगर आप इस पैलेस में है तो आप यहाँ पे रॉयल गार्ड चेंजिंग सेरेमनी भी देख सकते हैं जो हर एक घंटे में होती है। तो एज ए टूरिस्ट यहाँ जाना मत भूलिए, यहाँ पे आप एक ही जगह पे 2-3 चीजें देख सकते हैं। अगर आप सियोल में हो, आपको शॉपिंग करनी है, तो आपके लिए जो बेस्ट डेस्टिनेशन रहेगी स्पेसिफिकली कॉस्मेटिक के लिए, स्किन केयर के लिए, फैशन के लिए, उस प्लेस का नाम है म्योंगडोंग। इस जगह पे काफी सारे शॉप्स है, यहाँ पे काफी फॉरेनर्स आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो अगर आपके साथ में आपके पार्टनर है स्पेसिफिकली फीमेल, तो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए उनके लिए काफी सारी चीजें हैं काफी अच्छे दाम पे। और यहाँ का जो ओपनिंग आ रहा है वो 10:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक खुला रहता है, तो आप जब भी जाएंगे आपको ये जगह मोस्टली खुली मिलेगी। अगर आप सियोल में हो, आपने सियोल टावर नहीं देखा तो आपने सियोल में गए ही क्यों। और सियोल में देखने के लिए सियोल टावर काफी अच्छी जगह है एज ए टूरिस्ट। यहाँ का जो प्राइस है वो दोस्तों इतना ज्यादा भी नहीं है, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जहाँ से आपको 30% ऑफ मिलेगा यहाँ के टिकट प्राइसिंग को लेके। और जो आपका टिकट प्राइस है ऑफ करने के बाद वो है 450 से 500 रुपये एज ए अडल्ट। यहाँ का जो ओपनिंग टाइमिंग है वो है संडे टू फ्राइडे 10:00 बजे से लेकर 11:00 बजे के बीच में। सियोल टावर काफी अच्छी डेस्टिनेशन रहेगी एज ए टूरिस्ट यहाँ जाने के लिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सबवे का, बस का यूज कर सकते हैं, केबल कार का यूज कर सकते हैं। और जो एक पूरी राउंड ट्रिप पड़ेगी आपको ये होगा 8,500 यॉन के बराबर, जो इतनी ज्यादा नहीं है। और साथ ही एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है, केबल कार की जो ओपनिंग आवर्स है वो है 10:00 बजे से लेकर 11:30 बजे तक के बीच में। अगर आपको सियोल का एकदम पुराना रूप देखना है कि पास्ट में सियोल कैसा था, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, तो आपके लिए जो परफेक्ट प्लेस रहेगी घूमने के लिए उस प्लेस का नाम है बुकचोंग हैंक विलेज। ये काफ़ी पुराना विलेज है, 600 साल से पुराना विलेज है, अभी भी यहाँ पे लोग रहते हैं पुराने स्टाइल में। तो यहाँ पे फोटोज खींचने के लिए, उनके ट्रेडिशन को, कल्चर को देखने के लिए परफेक्ट प्लेस है जाने के लिए। अगर आप साउथ कोरियन ड्रामा के फैन हैं तो आपके लिए परफेक्ट प्लेस रहेगी जाने के लिए नामी आइलैंड, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कोरियन ड्रामा सॉन्ग्स की शूटिंग होती है, काफी सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स की भी यहाँ पे शूटिंग हुई है। और यहाँ पे जाने का जो प्राइस आपको पे करना पड़ेगा वो होगा 10,000 यॉन एज ए अडल्ट, और 3 साल से 13 साल के बच्चों के लिए जो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा 7,000 यॉन। और इस सब में इंक्लूड है राउंड ट्रिप फेरी फेयर और टैक्स भी इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ का जो ओपनिंग आवर है वो है 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक के रात के।
काफ़ी खूबसूरत सा पार्क है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे छोटे मोटे एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएगी पार्क में, घूमने के लिए, बैठने के लिए, पिकनिक करने के लिए, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सबवे टैक्सी का यूज़ कर सकते हैं। तो सब चीज़ें यहाँ पर पहुँचना काफ़ी आसान है, देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत जगह है। अगर आप स्ट्रीट फूड के दीवाने हैं और आपको सियोल में जाकर उनके लोकल कुजीन को ट्राई करना है, तो आपके लिए जो परफेक्ट प्लेस रहेगी उनकी लोकल कुजीन उनकी स्ट्रीट फूड को ट्राई करने के लिए वो होगी ग्यांगजंग मार्केट। प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है पर मैंने लिख दिया है वहाँ पर से यहाँ पे। और यहाँ का जो ओपनिंग आवर्स है वो है मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोकली वहाँ के ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे जाके काफ़ी सस्ते दाम पे। नेक्स्ट है होंगडे मार्केट। ये पॉपुलर है यहाँ की नाइट लाइफ को लेके, यहाँ की शॉपिंग को लेके। तो एज ए यूथ, एज ए यंगस्टर, अगर आपको यहाँ पे शॉपिंग करनी है, क्लब्स जाना है, तो आपके लिए होंगडे मार्केट बेस्ट रहेगा सस्ते दाम पे शॉपिंग करने के लिए और मस्ती करने के लिए। नेक्स्ट जो मेरी लिस्ट में नाम है उस जगह का नाम है इजाडोंग। ये मशहूर है कोरियन ट्रेडिशनल कल्चर के लिए, क्राफ्ट के लिए। तो एज अगर आपको सुवीनियर इंडिया लाना है तो आपके लिए देखने के लिए काफ़ी अच्छी जगह होगी। ये जगह सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खुली रहती है। तो अगर आपको कोरियन कल्चर में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं अपने घर ले जाने के लिए। अगर आप शॉपिंग के दीवाने हैं तो आपको जाना चाहिए कोरिया के लार्जेस्ट होलसेल मार्केट में जिसका नाम है गोंगडोम। यहाँ पे 30,000 से ज़्यादा शॉप्स हैं, 50,000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर है। और यहाँ का जो टाइमिंग है वो है सुबह 10:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। लिटरली आप यहाँ पे रात भर शॉपिंग कर सकते हैं सस्ते दाम पे। और ये मशहूर है अपने फैब्रिक के लिए, क्लोथिंग के लिए, और काफ़ी सारे इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड चीज़ यहाँ पे आपको सस्ते दाम पे मिल जाएंगी। तो एज ए शॉपिंग दीवानों के लिए ये जगह जन्नत है। अगर आपको साउथ कोरिया का और वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा थीम पार्क देखना है तो इस थीम पार्क का नाम है एवरलैंड। इस थीम पार्क में काफ़ी सारे एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ हैं, सफारी वर्ल्ड का मज़ा ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी वेबसाइट का भी लिंक डाल दूंगा जहां से आपको एटलीस्ट 45-50% टिकट ऑफ मिलेगा। और जो यहाँ का ओपनिंग आवर्स है वो है संडे टू फ्राइडे 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। सैटरडे एंड पब्लिक हॉलीडेज पर जो यहाँ का टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। तो आप इसकी साइट को चेकआउट कर सकते हैं, अपने लिए टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये थे सियोल के कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने सियोल की ट्रिप में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।